आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंक। सबसे पहले हम मुद्रा का मीनिंग डिस्कस करेंगे, मुद्रा का मतलब क्या है। ठीक है, तो मुद्रा क्या है? ये मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सभी भुगतानों को पूरा करने की क्या होती है, क्षमता मौजूद होती है। वह उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सृजित किया जाता है, उसे उस देश की सरकार द्वारा क्या हो संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, आज के टाइम पे मुद्रा केवल रुपया ही नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे मुद्रा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, इनको भी मुद्रा के श्रेणी में लाया गया। अब डिस्कस करेंगे कि मुद्रा के प्रकार क्या है। काइंड्स ऑफ मनी, सबसे पहले प्रॉपर मनी, अगर हिंदी में इसे समझें तो वास्तविक मुद्रा। क्या है? वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा वो है जिसमें किसी देश का लेन देन होता है। ठीक है, जैसे अपने देश का लेन देन किसमें होता है, रुपया में। जैसे अपने देश का इंडिया का किसमें होता है लेन देन, रुपया में। जैसे यूके का किसमें होता है, पौंड में। ठीक है, और यूएसए का किसमें होता है, डॉलर में। जापान का किसमें होता है, येन में। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं, अपने अपने सारे देशों की अपनी अपनी मुद्रा होती है जिसमें प्रॉपर लेन देन होता है। ठीक है, अगला हम समझेंगे ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक मुद्रा। ठीक है, ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, ये पता है, ये भुगतानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो भुगतान किस में लेना चाहता है, जैसे कि डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, प्लास्टिक मनी के अंतर्गत हम समझेंगे, सॉरी हॉट मनी के अंतर्गत समझेंगे कि हॉट मनी है क्या। ये पता है अभी अभी हमें प्रचलन में ये शब्द आया है। ये पता है शेयर बाजार का एक प्रचलित शब्द है जिसमें कोई विदेशी निवेशक क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने मुद्रा का हस्तांतरण करता है जिससे वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। ठीक है, ये कोई मनी नहीं है, ये एक प्रचलित शब्द है जो कि शेयर बाजार में यूज होता है। प्लास्टिक मनी क्या है? ये जितनी भी बैंकें हैं उनके द्वारा जारी किए जाने वाले कुछ कार्ड हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, प्लास्टिक मनी। कॉशन मनी, कॉशन मनी क्या है? कॉशन मनी एक तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किसी भी संस्था द्वारा जमा करवाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एकेडमिक संस्थाएं, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ पैसा सुरक्षा को ध्यान में रख करके जमा करवाया जाता है। ठीक है, ऐसे किसी भी संस्था द्वारा जो पैसा सुरक्षा को ध्यान में रख करके जमा करवाया जाता है वो किसकी श्रेणी में आता है, कॉशन मनी की श्रेणी।